नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। और कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो जरूर बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा की ज्योत जगा सकता है, किसी के जीवन को निराशा से मुक्त कर सकता है, इसलिए शेयर जरूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं आज के विषय पर। मित्रों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपसे बहुत ही खास टॉपिक पर, बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। लक्ष्मी को अगर घर है लाना या लक्ष्मी को अगर घर है बुलाना तो मुख्य द्वार को वास्तु अनुसार सजाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लक्ष्मी हमेशा मुख्य द्वार से ही आती है, जो आपका मेन एंट्रेंस गेट होता है। आइए उस बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं। देखिए, घर में कुछ मुख्य द्वार से संबंधित सावधानियां बरतनी है आपको और मुख्य द्वार को कुछ इस तरह सजाना है ताकि लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाए। और विशेष होता है हमारा मुख्य द्वार, क्योंकि हमारी किस्मत और बदकिस्मती यहीं से आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का वास्तु सही होने पर घर में हमेशा सुख और समृद्धि रहती है। वास्तु के नज़रिए से घर का मुख्य प्रवेश द्वार, जो मेन एंट्रेंस गेट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और लोग इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर कई तरह की शुभ चीज़ें लगाते हैं, लगानी भी चाहिए। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखा जाए, जो आपका मेन एंट्रेंस गेट हो, यानी कि अगर आपका खुद का बंगलो है, खुद का अपार्टमेंट है, तो ऐसे में तो लोहे का गेट हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो लोहे का भी गेट हो तो वो मूलतः काला, डार्क ब्लू नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर लोहे का दरवाज़ा नहीं है, जहाँ डायरेक्टली लकड़ी का दरवाज़ा है प्रवेश करने का, तो उसे भी डार्क कलर का पेंट कभी ना कराएं, इस बात का ध्यान दिया जाए। विशेष तौर से अब घर के मुख्य दरवाजे को अन्य दूसरे दरवाजों से हमेशा बड़ा होना चाहिए। यह दरवाज़ा दोनों तरफ खुलने वाला हो, डबल पार्टीशन्ड, सिंगल पार्टीशन्ड कभी ना हो। घर का दरवाज़ा खोलते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए आपको कि उसमें आवाज़ नहीं आ रही हो, उसकी अंजीसें ठीक हो, और अगर अंजीस गलत भी लग गई है तो उसके अंदर ऑयलिंग या ग्रीजिंग करके उसकी आवाज़ को बंद किया जा सकता है, क्योंकि आवाज़ का आना किसी भी तरीके का घर्षण या नकारात्मकता का प्रतीक है। दरवाजे से आवाज़ आने पर उन्हें जल्दी ही ठीक करवा लें, यह ज़्यादा बेहतर रहता है। प्रवेश द्वार पर, यानी कि जो आपका मेन एंट्रेंस गेट है, उस पर हमेशा अच्छी रोशनी आनी चाहिए, चाहे वो किसी झरोके से हो, अगर आप एक फ्लैट में रहते हैं, फ्लोर पर रहते हैं, और अगर ओपन में रहते हैं, बंगलो आपका है, तो विशेष तौर से उस पर भी। अगर आप पूरा फ्लोर बाय करते हैं तो इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो एंट्रेंस गेट हो, विशेष तौर से उस पर भी रोशनी की कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर करें। घर के मेन एंट्रेंस गेट को सुंदर और साफ तरीके से, ढंग से बनाएं और उस पर अपनी नेम प्लेट ज़रूर लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब आपको बताते हैं कैसे आप सजा सकते हैं और वास्तु अनुसार आप इसे कैसे सजा सकते हैं। देखिए, पहली बात, मेन एंट्रेंस गेट को बहुत खूबसूरत बनाएं, क्योंकि खूबसूरती पर ही लक्ष्मी का वास होता है, सौंदर्यता के और स्वच्छता पे, दोनों चीज़ों का नियम हो। जूते चप्पले मेन गेट के बिल्कुल सामने ना हो, डस्टबिन बिल्कुल सामने पड़ा हुआ ना हो, और सजाएं कैसे ये ध्यान रखें। माला, आपने देखा होगा कई घरों में बड़ी सुंदर सी माला लगी होती है मेन एंट्रेंस गेट पर, तो घर पर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश के लिए पीपल, आम और अशोक के पत्तों की माला का तोरण और द्वार तोरण बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। प्लास्टिक के फूल वूल ये काम नहीं देते। देवी लक्ष्मी, जी हाँ, घर के मेन एंट्रेंस गेट पर, यानी कि प्रमुख द्वार पर, जो है आपका लक्ष्मी कुबेर की एम्बलम होना चाहिए और ये होना बहुत शुभ होता है। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से धन लाभ होता है।
विशेष तौर से जो आपका मेन एंट्रेंस गेट है उसके ठीक नीचे लक्ष्मी जी के पदम यानी कि लक्ष्मी जी के पैर घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर से माँ लक्ष्मी के पैर बनाने से और घर में धन दौलत जरूर आती है। या आजकल बड़े अच्छे सुंदर गोल्डन रंग के भी माता के चरण आते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। शुभ लाभ का साइन, घर को नकारात्मक और बुरी ऊर्जा से बचाने के लिए घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर शुभ और लाभ ये लिखना बहुत अच्छा माना जाता है। स्वास्तिक का निशान, देखिए सनातन धर्म में स्वास्तिक को परम शुभ माना गया है। हर शुभ और मांगलिक कार्य में स्वास्तिक का निशान बनाना आवश्यक माना जाता है। पूजा पाठ संपन्न इसी से किया जाता है। प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाने से घर में सौभाग्य की स्थिति बनती है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें श्रोतक। कल लौटेंगे वास्तु का सच में एक नए टॉपिक को लेकर, जहां खुलासा करेंगे वास्तु के सच का। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो, आज से कुछ सुंदर हो। लेकिन हाँ, जाने से पहले जरूर कहूंगा, कमल नंदलाल ये कहता है शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें। नमस्कार, नमः शिवाय।